जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं झांसी से कुछ मुख्य खबरों की ओर। इलेक्ट्रिक बस में बैठे शरारती तत्व के युवकों को बस में बैठी युवतियों से छेड़खानी करने से रोकना बस चालक और उसके सहयोगी को महंगा पड़ गया। दबंगों ने दोनों की जमकर मारपीट करते हुए बस में तोड़फोड़ भी कर दी। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनपद में चलाई जा रही इलेक्ट्रिक बस सेवा देहात क्षेत्रों में जाने लगी है। गुरुवार की दोपहर बस क्रमांक UP93T6630 का चालक और उसका सहयोगी रविंद्र कुशवाहा निवासी गुरसराय बस में बरुआ सागर से झांसी आ रहे थे, तभी रास्ते में तीन दबंग युवक चढ़ गए। तीनों युवक बस में बैठी युवतियों को देखकर अश्लील हरकत करने लगे और गाली गलौज भी करने लगे, जिसका बस के चालक और कर्मचारी रविंद्र ने विरोध किया तो तीनों दबंगों ने बेतवा नदी के पास बस को रुकवा कर उनकी जमकर मारपीट की और बस में तोड़फोड़ कर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। पीड़ित बस चालक और कर्मचारी ने घटना की सूचना पुलिस को दी है। झांसी से दीपक चंदेल के साथ ऋषभ यादव की रिपोर्ट।